तेजस्वी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। तेजस्वी ने लालू की राजनीति को किया शर्मसार। मजदूरों के अरमानों से कर रहे हैं खिलवाड़। बिहार के मजदूरों के नाम पर आज देश भर में सियासत हो रही है। सब अपने अपने हिसाब से मजदूरों के नाम पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। बिहार के भी नेता इस मौके को भला कैसे छोड़ दें, वो भी तब जब राज्य में चुनाव होने वाला है। अब चुनावी साल है और मजदूरों का मामला तूल पकड़ रहा है, तो ऐसे में हमारे बिहार के कुछ नेता तो सियासत के नाम पर कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, परंतु सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता मजदूरों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन उन गरीबों की कोई नहीं सुन रहा जिनके नाम पर कुर्सी का सपना देख रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो जेहन में रामपुकार पंडित की वो तस्वीर सामने आई जाती है, वही तस्वीर जिसमें एक बिहारी मजदूर लॉकडाउन में घर आने के लिए परेशान है, क्योंकि उसके इकलौते बेटे की मौत हो गई है और वह आने में असमर्थ है। ऐसे में वो फोन पर ही रो रहा है। रामपुकार पंडित की यह तस्वीर देखते ही देखते देश भर में वायरल हो जाती है और सियासत का हिस्सा बन जाती है। खुद को बिहार का सीएम प्रोजेक्ट करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मौके का फायदा उठाते हैं और आनन फानन में ट्विटर पर प्रोफाइल फोटो में रामपुकार पंडित की तस्वीर लगा देते हैं। तेजस्वी के इस कदम से लगता है कि शायद अब इस राज्य के गरीबों की हालत ठीक हो सकती है, क्योंकि एक युवा नेता जिसे उनकी पार्टी के लोग उन्हें सीएम के रूप में देख रहे हैं, वो मजदूरों को अपना चेहरा बना रहे हैं। लोग इस उम्मीद में थे कि किसी का न सही, शायद जिसकी तस्वीर का प्रयोग किया गया है उसकी मदद तो तेजस्वी जरूर करेंगे, परंतु हकीकत कुछ और है। इस हकीकत को जानने के लिए हमने मजदूर रामपुकार पंडित से फोन पर बात करने की कोशिश की, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। हेलो जी, रामपुकार जी बोल रहे हैं? जी बाबूजी जी, हम हेडलाइंस बिहार से पत्रकार बोल रहे हैं। जी जी, आप बेगूसराय के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आप मतलब क्या कुछ हुआ था आपके साथ, आप बेगूसराय कैसे कैसे पहुँचे? बाबूजी ऐसा है ना कि हमारे लड़का डेट कर गया। अच्छा, मर गया? हाँ हाँ। उनको मैं मुंह देखने ने मुंह भी नहीं, शक्ल भी नहीं देख पाया। अच्छा, कैसे? वहाँ से पैदले दिल्ली चल दिए। जी, आपकी तस्वीर तो लोग देख रहे हैं देश भर में, आपके लिए दुआ कर रहे थे और बहुत दुख हुआ आपके बेटे की मृत्यु हो गई। तेजस्वी यादव को पहचानते हैं? लालू यादव के बड़े बेटे जो हैं, छोटे बेटे हैं, वो हमारे घर पड़ता है तारा बरियारपुर। जी, अब रहते हम बसही में। अच्छा, नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को जानते हैं? तेजस्वी यादव जो लालू जी के बेटे हैं। जी, हम नहीं, बिहार 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 में कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे, जैसा वो कहते हैं। तो आपको पता है कि वो आपका फोटो है सो वो प्रोफाइल में लगा है, मतलब आपका ही फोटो सब जगह दिखाते हैं, तो उनके तरफ से कोई मदद उदद मिला कि नहीं अभी तक आपको? अभी तुरंत कहां मदद बोले, कोई मदद नहीं की अभी तक? नहीं। सरकार के तरफ से कोई मदद? सरकार के तरफ से वही मदद है जो ये जो बरियारपुर में हमारे सतेली परिवार था ना। अच्छा, उनके तरफ से घर आया हुआ था। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? एक हमारे परिवार है। अच्छा, वो बिमल देवी नाम है। अच्छा, एक पूनम है। अच्छा, बेटी है पूनम? बेटी। अच्छा, ये जो है पूजा है। अच्छा, एक प्रीति नाम है। अच्छा, तीन बेटी है? तीन बेटी है, एक सासू है। अच्छा, सासू भी वही है। अब बेटा क्या वो था? बेटा एक ही वो था बाबूजी। अच्छा, बेटा एक ही वो था ना।
तीन गो लड़की पर एक लड़का हुआ था। तो सरकार के आदमी तो पहुंचे कि नहीं अभी तक आपके पास? नहीं, वो जो है ना खदावन पर ब्लॉक से आए थे। एसपी डीएसपी साहब। अच्छा, तो उन्हीं ने बोला कि आपको घर मिला हुआ था। मैं बोला कि बस बरियारपुर में मिला हुआ था मुन्नी देवी के नाम से जी। वो हमारा दूसरा पहली बार था, वो उसका कुछ माथा काम नहीं करता था। अच्छा, वो मान के चल लिया ना पागल कर, पागल है। समझ गए जी। तो उन्हीं के नाम से घर आया था। अच्छा। वो बेचारी छोड़ के चले गए। बोले कि हम आप हमारे आप पसंद नहीं है। अच्छा, अन्य वो बेचारी कभी अपना हाथ से मेरे को खाना दिया होगा। अच्छा, तो वहाँ, अच्छा अभी जो जहाँ रहते थे वहाँ पर क्या करते थे आप? कहाँ, दिल्ली में रहते थे? दिल्ली में बाबूजी रहते थे। अच्छा, वहाँ क्या करते थे दिल्ली में आप? वो हेल्परी काम करते थे। जैसे जराए हुआ प्लास्टर हुआ उसमें मसाला बना के देते थे, सीमेंट वालू मिक्स कर। तभी तो काम धंधा बंद है तो परेशानी होगा, घर में तो फिर दिक्कत होगा। घर का हाल तो बाबूजी बुरी चल रहा है। गिरिराज सिंह आपके यहाँ के सांसद है, वो अभी तक तो कुछ किए कि नहीं? नहीं, मतलब तो कोई नहीं पूछा अभी तक? नहीं, और जो है वो दिल्ली से तीन चार दा सामान, दो दा सामान भेजे हैं। अच्छा, और दो दा, एक दा 500 रुपए दे थे एक आदमी। एक आदमी हाथ को 5000 दिए थे। अच्छा, पप्पू यादव 5000 रुपया दिए थे कह रहे थे वो। हाँ, अब जी, हाँ देखिए, आप नहीं पहचानते हैं यही ना? नहीं, हम नहीं पहचानते हैं वही से। और राशन भी भेजे हैं जो 5000 रुपये हाथ को दिए हैं जी, वो 5000 रुपया और राशन और कपड़ा लत्ता सब दिए। अच्छा, नहीं ठीक है, चलिए। आप अभी क्वारंटाइन किए गए होंगे? अभी तो आपको स्कूल में रखा हुआ होगा? स्कूल में रखा था। अच्छा, तीन दिन रखा था। अच्छा, अभी आप घर पहुंच गए हैं? उसके बाद जो है ना सो ये खदावनपुर ब्लॉक में आन के रखे थे अस्पताल में। अच्छा, वहाँ से दो दिन के बाद ही हमारे आ गया था अभी कागज। अच्छा, बेगूसराय कौन सा हॉस्पिटल सरकारी नहीं है बड़ा? हाँ, वो क्या बहुत बढ़िया नाम कहता है। अच्छा, तो बेगूसराय तो अस्पताल से कागज आया फिर? तब आया तो छुट्टी दे दिए। अच्छा, तो घर पे हैं अभी ना? जी जी। आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, मतलब तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? जी, सब कुछ ठीक है, मगर बेटा के लायक से ना। हाँ, तो वो तो होगा। हिम्मत रखिए रामपुकार जी, हिम्मत रखिए, भगवान क्या कीजिएगा, अभी वक्त खराब है, सब ठीक होगा। चलिए, फिर आपसे हम बात करेंगे, ठीक है? जी जी, ठीक है, ठीक। ख्याल रखिए अपना। ठीक है बाबू जी। तेजस्वी यादव ने सिर्फ इस मजदूर के नाम पर राजनीति की, लेकिन मदद के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया। आज यही सच्चाई है हमारे बिहार की। यहाँ सिर्फ गरीब और मजदूरों को राजनीति का मुद्दा बनाया जाता है, परंतु उनकी मदद नहीं की जाती। सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष के नेता, यह सिर्फ ट्विटर से गरीबों की लड़ाई लड़ते देखे जा रहे हैं। वक्त बीतते देर नहीं लगेगी जनाब, बस कुछ दिन का कसर है, उसके बाद शायद ये गरीब मजदूर फिर याद आएंगे और तब शायद राम पुकार पंडित जैसे लोग सियासी रोटी सेकने वाले नेताओं को अपने वोट से जवाब दे पाएंगे।